जनरली हम देखा जाता है जब बच्चे स्कूल गोइंग एज में जब जाते हैं उसके टाइम के बाद ही हमारे पास या इधर टीचर से या पेरेंट्स से उनकी कंप्लेंट आती हैं कि बच्चों में ये बिहेवियर चेंजेस हैं, जिनको देख के हम समझ सकते हैं कि ये बच्चा एंजाइटी से सफ़र कर रहा है। तो प्री स्कूल एज से कम ये केस मिलते हैं, लेकिन ज़्यादा स्कूल ज्वाइन करने के बाद ये रिपोर्ट्स आती हैं। तो उसमें बच्चों का क्या देखा जाता है कि बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्लास में ठीक से बैठेंगे नहीं, दूसरों के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे, ओबे नहीं करेंगे, एडमेंट हो जाएंगे और कोऑपरेट नहीं करते हैं, खाना निगलेक्ट करते हैं, गेम्स वगैरह खेलना जो नॉर्मल बच्चों का इंटरेस्ट होता है वो नहीं रहता है, और उनकी रात को सोने की भी उनकी रिदम बिगड़ सकती है। तो ये सारी चीज़ें से आइडिया हो जाता है कि बच्चे को एंग्जाइटी न्यूरोसिस है। तो उसमें बेसिकली सबसे बड़ा रोल रहता है कि काउंसलिंग का। छोटे बच्चों को दवाई ज़्यादा कम बहुत कम देना चाहेंगे, तो काउंसलिंग, बिहेवियर थेरेपी, ये फैमिली थेरेपी, पेरेंट्स को एजुकेट करना, टीचर्स को भी इंडॉक्ट्रिनेट करते हैं कि भी कैसे इन बच्चों के साथ डील किया जाए, कैसे इनके ऊपर स्पेशल अटेंशन दी जाए और इनकी जो स्ट्रेस है कैसे कम किया जाए। दीज आर दी मेथड, ये सारे यूज़ करके हम बच्चों की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। रेयरली जब बच्चे एडोलेसेंस एज ग्रुप वाले होते हैं उनको हम मेडिसिन भी यूज़ करते हैं, ये जो एंग्जाइटी मेडिसिन जो हम अडल्ट्स के लिए यूज़ करते हैं उन्हें लेसर डोजेज में हम इन बच्चों को भी दे सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े। जनरली ये चीज़ सारी अच्छी रिस्पॉन्ड कर जाती है बच्चों में विद दी हेल्प ऑफ काउंसलिंग, साइकोथेरेपी, पेरेंटल काउंसलिंग, थोड़ा टीचर्स की हेल्प लेके, स्कूल वालों का थोड़ा मदद लेके, ये चीज़ों बच्चों में अच्छी रिकवरी आ जाती है।